नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर आपके लिए एक सरकारी नौकरी लेके आए हैं जो निकल रही है आर्मी कैंटीन से। तो आर्मी कैंटीन से अटेंडेंट की पोस्ट निकल के आई है। तो यदि आप 10वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दिखा देते हैं जो अभी आर्मी ने जारी किया है। तो यहाँ ये देख सकते हो, आर्मी जो है कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी है जिसमें लेवल CPC के तहत आपको पेमेंट मिलेगा। और उम्र सीमा जनरल के कैंडिडेट्स के लिए 25 वर्ष है, OBC के लिए और SC ST के लिए यहाँ नॉर्मली 18 से लेके 28 वर्ष और 30 वर्ष है। यहाँ अलग अलग है, जनरल के लिए रखी गई है 18 से लेके 25 वर्ष, OBC के लिए रखी गई है 28 वर्ष, और SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 18 से लेकर 30 वर्ष, और PWD कैंडिडेट के लिए 33 ईयर्स की यह एज रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट क्या मिलेगा आपको इस भर्ती प्रक्रिया में? जो नॉर्मली पेमेंट है वो देख सकते हो, 5200 से लेके ग्रेड पे आपको 1800 मिल जाएगा। पे मेट्रिक लेवल 1 के अनुसार इसमें आपको वेतन मिलेगा। तो ऑलरेडी जो है कैंटीन अटेंडेंट यानी कि कैंटीन प्रीचारी की वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है। एक 10th लेवल की वैकेंसी है और सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि नॉर्मली आपको काम क्या करना पड़ेगा। कैंटीन अटेंडेंट में आपको है टी प्रिपेयर करनी आनी चाहिए, यानी कि आपको चाय बनानी आनी चाहिए, कॉफ़ी बनानी आनी चाहिए। नॉर्मली यहाँ आपको जो है टेबल वगैरह साफ करनी होगी और इसी के साथ साथ कुछ सामान से आपको देने होंगे। यानी कि आर्मी कैंटीन आर्मी ऑफिस आप समझ सकते हो, एक ग्रुप D की वैकेंसी आप इसे मान सकते हो। जैसे कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसीज है आपको मिलेगी, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसी आपको मिलेगी। यहाँ देख सकते हो नॉर्मली आपसे क्या क्या काम करवाए जाएंगे वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। और पेमेंट देख सकते हो, पेमेंट भी आपको यहाँ अच्छा मिल रहा है, 18,000 रुपये इसमें प्रारंभिक वेतन रहेगा। आप जैसे इसमें ज्वाइनिंग करोगे तो 18,000 रुपये आपको इसमें वेतन मिलेगा। और ये एक सरकारी नौकरी है। इसके बाद भी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मली 10th पास, यदि 10वीं पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, केवल 10वीं पास। इसके बाद में एज क्राइटेरिया आपका यहाँ समझाया गया है फिर से, 18 से लेकर 25 वर्ष, यानी कि एज की गणना कब की जाएगी, 18 से लेकर 25 वर्ष, 28/10/2019, तो आगामी अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर की 28 तारीख को आप कम से कम 18 अधिकतम 25 वर्ष हैं। जनरल के SC ST के देख सकते हो 5 वर्ष की छूट मिल रही है, OBC को 3 साल की छूट मिल रही है, PWD कैंडिडेट्स को यहाँ 10 साल की छूट मिल रही है। यहाँ छूट देख सकते हो, काफ़ी सारी छूट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल जाएगी एज क्राइटेरिया को लेकर। जो आरक्षित संबंधित वर्ग है उनको भी नियमानुसार छूट मिलेगी। इसके बाद में कैंटीन अटेंडेंट के फिजिकल रिक्रूटमेंट किस प्रकार की हैं वो भी इसमें बताया गए हैं। और इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको यहाँ बताया गया है। और कौन अप्लाई कर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है आपको मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। जिसमें इसमें आपको ये बताया गया है कि आपके कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ आपको सेंड करने होंगे, क्योंकि ये वैकेंसीज है ऑफलाइन, ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म भी हम दे देंगे, ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको बताएंगे। इसके बाद में यहाँ देख सकती हूँ, ये पूरी डिटेल्स इसमें समझाई गई है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट, और ये जो है आपको स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री डाक से सेंड करनी है, साधारण डाक से आपको नहीं भेजना है। और कुछ रूल्स आपको बताए हैं कि विल बी नॉट रिसीव बाय हैंड, आप जो है बाय हैंड इसको जो है नहीं किया जाएगा, फॉर्म को नहीं लिया जाएगा। इसके बाद ये फॉर्म इसका बताया गया है, यहाँ देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। और ये जो है इसमें समझाई गई है फॉर्म, यदि किसी को फॉर्म नहीं भरना आता है तो हम दोबारा इस पर वीडियो बना देंगे। गलत फॉर्म आपको नहीं भरना है, हाँ
हम आपको आराम से बता देंगे कौन सा आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप हमें जवाब दे लिख सकते हैं कि सर हमें ये 12 नंबर का, 11 नंबर का, 10 नंबर का कॉलम समझ में नहीं, आप हम समझाइए। और यहाँ देख सकते हो पूरी डिटेल्स आपको भर के भेज देनी है। वैकेंसी यानी कि जॉब कहाँ करना पड़ेगा वो डिटेल्स हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको जॉब कहाँ करना पड़ेगा उससे पहले ये देख सकते हो वैकेंसीज जो है आपको जॉब करने पड़ेगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपको ये जॉब करना पड़ेगा। इसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ मिलेगी, ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके बाद में डेट ऑफ सबमिट यानी कि एप्लीकेशन 28/9 से स्टार्ट होके 28/10/2019 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा मौका है, यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्म ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।